बोलिए निगरान में, बस थोड़ा सा कम है मेरे साथ माइक कर लीजिएगा, दिल कर रहा है मेरा, एक आधा हिस्से में कर रहा जी जी मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आखिर में मेरी शहजादी सकीना सलाम लेने की फरियाद में सबसे आखिर में पेश करूँ, आज तेरा तारीख है और मैं चाहता हूँ कि अब जो कलाम है पढ़ना चाहता था आप इसको बैठ के सुनें, ताकि मैं छोटी शहजादी का जिक्र कर रहा हूँ कि अखियाँ मल मल ज़ैनब बेहदी, हाय हाय कि अखियाँ मल मल ज़ैनब बेहदी है। बेटी बेटा अब हम बड़े 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 नहीं भी एक पछाने उठाता है लिबास गरीबी का पहन कर मेरा मौला हुसैन हुसैन से बाहर आया। मेरी छोटी शहजादी ने आकर के पूछती है बाबा कहाँ जा रहे हैं, कल के दिल्ली में अपने बाबा से मिलने जा रहा हूँ। अजब मसाइल में जो मैं पेश करना चाहता हूँ, शायद मेरे मौला हुसैन की ईरान के जाकिर ने अजीब चीज पढ़ी है और ये कलाम मैं पेश करने से पहले थोड़ी सी तमीज मांगना चाहता हूँ। ईरान के बड़े अलमुद्दीन ने एक चीज पढ़ी कि हजरत इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने एक रिवायत बताई है कि मेरी जद को जंगली भेड़ की तरह घेर के मारा गया। हाय हाय अब जड़े से अल्लाह हू अकबर, हाय अल्लाह अकबर। आदमी दीन ने आगे कहा कि जंगली भेड़ का तसव्वुर क्या है, जमाने जाहिलियत में अरब एक भेड़ पाला करते थे, पाँच छः आठ आदमी मिलकर एक भेड़ पाला करते थे और तीन चार साल उसको पानी खिलाने के बाद एक दिन ही तय करते थे, उस भेड़ को बीच में छोड़ देते थे और आस पास किसी के हाथ में जो हाथा था उससे उस भेड़ को मार के हलाक करते थे। जो अंग्रेजा ऐसा फरमाते हैं कि मेरे जद को जमाने जाहिलियत की भेड़ की तरह मारा गया, किसी के हाथ में नैजा है, किसी ने लात मारी, किसी ने पत्थर मारा। अल्लाह अकबर, या हुसैन या हुसैन। कि मेरा कि जिस वक्त शिमर मलूम नशिस्त उसकी मौला हुसैन के सीने पर, जर पे जर लगाता था, थोड़ी देर के लिए हटा, अजब मसाइल पेश कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए हटा ये कपड़ा और नैजा लेकर के आया और नैजे को गले की कलियों ने इस मकाम पर रख कर और उसको दबाता था और जब वो अंदर चला जाता था फिर हम उस मजलूम इमाम का जिक्र कर लिया है और दर खैमा पर सहम करी गई थी। उमर साहब को देख रहा है मेरे भाई को कल किया जाता हूँ, शेर सुनिए का अजीब मसला।